ओ भाई फ्री में मुझे BTS क्रिस्टल टोकन मिल रहा है। चलो यार इसे क्लेम करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, मजा ही आ गया। चलो आप जल्दी से यहाँ पे फ्री में एक BTS का बंडल भी ले जाए। चलो आप जल्दी से स्पिन करते हैं। गाइज आज फ्री फायर में नियॉन स्टिक टोकन का एक्सचेंज पार्ट 2 आ चुका है। इसमें कि यार आपको फ्री में एक BTS क्रिस्टल टोकन मिलेगा, जिससे कि आप 7 बंडल में से कोई एक मेल बंडल फ्री में क्लेम कर सकते हो। तो आपको ये BTS क्रिस्टल टोकन कैसे मिलेगा एंड आपको क्या करना होगा और आप अनलिमिटेड BTS क्रिस्टल टोकन कैसे क्लेम कर सकते हो, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेरे जान वीडियो बहुत ज़्यादा OP है। वीडियो को पूरा देखें एंड इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से करिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चले गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई देखो, फ्री में BTS क्रिस्टल टोकन को क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सचेंज पार्ट 2 में आना है। और यहाँ पे गाइज आपके पास 100 नियॉन स्टिक टोकन होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे फ्री में इस BTS क्रिस्टल टोकन को ले सकते हो। अब भाई देखो, आप में से बहुत बंदों ने तो अपने नियॉन स्टिक टोकन को खर्च कर दिया होगा क्रेट बॉक्स में या शर्ट वर्ट में, मतलब किसी में। एंड जो स्मार्ट बंदे होंगे उन्होंने यार अपने टोकन को बचा के रखा होगा। सेम मेरी तरह भाई, मैंने भी अपने टोकन को बचा के रखा था। कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे आपको 100 टोकन चाहिए। एंड जिन बंदों के पास नहीं है वो यार आराम से कर सकते हैं 16 अप्रैल तक। अब कुछ बंदे तो आज में ही सोच रहे होंगे कि भाई आज में कैसे 100 टोकन जल्दी से करे जाए। तो भाई देखो, ये टोकन आपको बर्मुडा मैप पे मिल जाएंगे एंड आप अगर CS खेलते हो या लॉन वर्फ खेलते हो तो उसके बाद भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, बेस्ट लोकेशन मैं आपको देता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टोकन है वो किस मैप में मिलेंगे, मतलब किस लोकेशन पर मिलेंगे। तो बर्मुडा मैप में आप जाइएगा शिपयार्ड और ग्रेवयार्ड और ऑब्जर्वेटरी, तो ये तीनों जो है बेस्ट जगह है जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नियॉन स्टिक टोकन पड़े हुए मिलेंगे। और यार मैंने तो ऐसे ही किया था, जब मैंने देखा कि आज नियॉन स्टिक एक्सचेंज 2 आया है तो मैं जल्दी से गया बर्मुडा में और मेरे पास आई थिंक 80 के आसपास टोकन थे नियॉन स्टिक। तो मैंने जल्दी से 20 टोकन और फटाक से कलेक्ट करे और उसके बाद यहाँ पे मैंने BTS क्रिस्टल टोकन को एक्सचेंज कर लिया। एंड उसके बाद गए यहाँ पे मैंने सीधा स्पिन किया अपने इस वाले इवेंट में जहाँ पे हमें जो बंडल से मिल गया, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे लक इतना बेकार है कि भाई ये सेकंड वाला जो बंडल है ना, ग्रीन वाला, ये मिला यार मुझे उसमें। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आपको यहाँ पे कौन सा वाला बंडल मिला है, देखते हैं आपका लक कैसा है। बट यार देखो, ज़्यादातर बंदों को ना ये ग्रीन वाला मिला है, क्योंकि मेरा एक और फ्रेंड है उसको भी यही वाला मिला है। मतलब ज़्यादातर बंदों को ये ग्रीन वाला मिला है इस फ्री वाले BTS क्रिस्टल में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई आपको यहाँ पे कौन सा बंडल मिला है। वैसे आपका मन कौन से बंडल को लेने के लिए कर रहा है, आपको इनमें से कौन सा बेस्ट बंडल लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। और हाँ गाइस, अब बात रही कि आपको फ्री में अनलिमिटेड BTS क्रिस्टल टोकन कैसे मिल सकते हैं। तो भाई आप लोग जैसे यहाँ पे एक्सचेंज पार्ट 2 में आओगे नीचे की तरफ, जहाँ पे आपको BTS क्रिस्टल टोकन मिल रहा है 100 नियॉन स्टिक टोकन में, तो यार उसी के साइड में लिखा हुआ है एक्सचेंज 1 टाइम्स, मतलब सिर्फ आप इसको एक ही बार एक्सचेंज कर सकते हो। क्योंकि यार आप लोग खुद ही देखो भाई, इतनी ज़्यादा तगड़ी चीज़ है जो कि हमें डायमंड में मिली है, 2000 डायमंड में, मोको स्टोर में, फेरेड व्हील में एंड लकी व्हील में भी आने वाली है। उस चीज़ को यार एक बार ही तो फ्री में दे सकते हैं, हर बार थोड़ी ना फ्री में देंगे, तो यार खुद ही सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अनलिमिटेड फ्री में नहीं मिल सकती, एक बार ही मिली है। आप इसे एक बार यूज़ करके एक कोई यहाँ पे बंडल निकाल सकते हो जो कि आपके लक के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब आपका लक ठीक है तो आपको बढ़िया से बढ़िया बंडल मिल जाएगा, लक बेकार है तो भाई घटिया बंडल ही आपको मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को ना जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड के साथ। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चले गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।